विद्यार्थियों, श्रीराम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 5 के इंग्लिश विषय के तृतीय चैप्टर, जिसका नाम है द रेड्स एंड द एलिफेंट्स, अर्थात चूहे तथा हाथी, इसका अध्ययन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, आर वी ऑल द सेम साइज, क्या हम सभी समान आकार के हैं? तो इसका आंसर अपन कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, नो, वी ऑल आर नॉट ऑफ द सेम साइज, नहीं, हम सभी समान आकार के नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल, क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है? तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ आपको, यस, बिल्कुल कर सकता है। ए स्मॉलर एनिमल कैन हेल्प ए बिगर एनिमल, हाँ, एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन, यू आर ऑफ्टन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? चलो इसका अर्थ बताता हूँ, आपको प्राय अपनी छोटी बहनों तथा भाइयों की सहायता करने के लिए कहा जाता है, क्या आप उनकी सहायता करते हो? आंसर बताओ, करते हो नहीं करते? आंसर बता देता हूँ, यस, आई हेल्प देम, हाँ, मैं उनकी सहायता करता हूँ। अब अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू, आपके छोटे भाई एवं बहनें आपकी किस प्रकार मदद करते हैं? तो इसका उत्तर बता देता हूँ, दे हेल्प मी इन माई डेली रूटीन वर्क, वे मेरे रोजाना के कार्य में मेरी मदद करते हैं। लेट्स स्टार्ट, अब अपन क्या करते हैं, लेट्स रीड, मतलब पढ़ते हैं पार्ट को। लॉन्ग लॉन्ग अगो, ए ग्रुप ऑफ रेड्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, काफ़ी लंबे समय पहले चूहों का एक समूह प्रसन्नतापूर्वक एक जंगल में रहता था। आगे चलते, वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू डेट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी का तलाश में उस इलाके से गुजरा। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट पास थ्रू डेट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया बनने। अब आगे चलते हैं, मैनी होम ऑफ दीज रेड्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देअर विग फीट्स, उनके विशाल पैरों के नीचे चूहों के अनेक घर नष्ट हो गए, कुछ चूहे मारे भी गए, सम रेड्स वर ऑल्सो किल्ड, मतलब कुछ चूहे मारे भी गए। द किंग ऑफ रेड्स मूषक राज, चूहों का राजा मूषक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा गजराज के पास गए, ठीक है, गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हियर थ्रो अनोदर रूट टू द पॉन्ड, गजराज के पास गया तथा उसके अपने झुंड को किसी और मार्ग से तालाब की ओर ले जाने का निवेदन किया। ये निवेदन किसने किया? मूषक राज ने गजराज से। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रेड्स, उसने निवेदन स्वीकार किया तथा हाथियों को बिना चूहों को परेशान किए दूसरा रास्ता लेने के लिए कहा। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लेज्ड विद गजराज, मूषक राज बहुत खुश हुआ तथा गजराज से प्रसन्न हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, उसने उसको धन्यवाद दिया तथा वादा किया कि अगर आवश्यकता हुई तो चूहे हाथियों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है। हियरिंग दिस, इसको सुनते द एलिफेंट इन द हियर्ड लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रेड कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, इसे सुनकर झुंड के हाथी यह सोचते हुए हंसने लगे कि छोटे चूहे विशाल हाथियों की सहायता कैसे कर सकते थे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों पश्चात, वन फाइन डे व्हेन द रेड्स वर प्लेइंग दे हियर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पाउंड, एक अच्छे दिन
जब चूहे खेल रहे थे, उन्होंने तालाब की दिशा से हाथियों के चिल्लाने की आती हुई तेज आवाज सुनी। मूसग्रास रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट वर इन सम डेंजर। मूसग्रास समझ गया कि हाथी किसी संकट में थे। अब आगे चलते हैं, देखिए। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। उसने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों को अपने साथ आने के लिए कहा तथा उस आवाज की दिशा में गए। नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट कैच इन द ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स। तालाब के पास उन्होंने हाथियों को शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदों में जकड़े हुए देखा। द रेड्स क्विकली स्टार्टेड वाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। चूहों ने शीघ्रता से अपने तेज दांतों से रस्सियों को काटना शुरू किया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। शीघ्र ही हाथियों को मुक्त कर दिया गया। दे थैंक द रेड्स एंड ऑल्सो felt sorry फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया तथा उनके छोटे आकार के लिए उनका मजाक उड़ाने के लिए भी खेद व्यक्त किया। देखिए बच्चों, ये हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। यदि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में कोई परेशानी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये पूरा चैप्टर समझ में आया हुआ तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।